हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल एस केलेवन फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द 100 मैन 2024 का जो फोर्थ मैच खेले जाएंगे नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में, तो उसी के बारे में मैच टाइम देख सकते हैं आज रात 11:05 मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उसी हिसाब से एक्टिव रहिएगा। तो दोस्तों, इस मैच के लिए कौन सा 11 खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे एंड स्मॉल लीग के टीम में कौन सा दो खिलाड़ी को कैपीसी बनानी चाहिए, कौन सा खिलाड़ी आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, कौन सा खिलाड़ी डिफेंसल पिक रहेंगे और कौन सा खिलाड़ी को जीएल में रोटेशन करना चाहिए, सब कुछ आपको वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो जब पूरा देखोगे तो भाई स्मॉल लीग के साथ साथ आप लोग मिनी ग्रैंड लीग और भाई ग्रैंड लीग में बहुत ही शानदार रैंक लाओगे। ठीक है, अगर आपको मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग जीतना है तो वीडियो बताया गया टिप्स को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्मॉल लीग के साथ साथ आप लोग मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके जाओगे इस मैच में। तो आपको वीडियो में जो टीम देखने मिलेंगे वो एक डेमो टीम रहेंगे, बाकी फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसी लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। चलिए दोस्तों, पहले तो दोनों टीम का स्क्वाड देख लेते हैं, फिर हम लोग दोस्तों दोनों टीम का जो हेड टू हेड परफॉर्मेंस वो भी देखेंगे और स्मॉल लीग की टीम बनाएंगे, बाकी आपका जो डिफेंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, स्क्वाड देख सकते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए जेसन रॉय यहाँ पे कप्तानी करेंगे, फिर देखो एडम हाउस एक अच्छे खिलाड़ी है, ग्राम क्लर्क रिसेंट फॉर्म थोड़ा गड़बड़ है, निकोलस पुरान बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे, ओलिवर रॉबिन्सन देख सकते हैं पे, मिचेल शैंटनर, टॉम लोइस, फिर देख सकते हैं जॉर्डन क्लर्क, बेन डाउरिच, आदिल रशीद आएंगे, बहुत अच्छा गेम चेंजर पिक बनेगा इस मैच में, राइस टॉपली, फिर देख सकते हैं ब्रेडन कॉर्स, कलम पार्किंसन और यहाँ पे पैट्रिक ब्राउन। वहीं पे ट्रेंड रॉकेट्स की बात की जाती है, यहाँ पर कैप्टनसी करेंगे लुइस ग्रिगोरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। बाकी देखो एलेक्स हेयर्स ओपनिंग पर आएंगे टॉम बेंटन के साथ और टॉम बेंटन ओपनिंग विकेट कीपिंग भी करेंगे, एडम लेथ, फिर देख सकते हैं सैम मेन, टॉम एस्टलॉफ, रोबमैन पावेल, लुइस ग्रिगोरी टीम का कप्तान, इमाद वाशिम, राशिद खान, फिर देख सकते हैं ओली रॉबिन्सन, लूक वुड, रेले मेरेदीथ, सैम कुक, जॉर्डन थॉम्पसन, बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है और रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही बढ़िया है, कैल्विन हैरिसन और यहाँ पे जॉस टर्नर। चलिए अब हम लोग दोस्तों दोनों टीम का परफॉर्मेंस देखते हैं कि हेड टू हेड में क्या करते हैं दोनों टीम आपने सामने। ठीक है, दोनों टीम के आप रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आप भाई नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, लास्ट के 5 में से 5 मैच हार के आ रहे हैं। वहीं पर अगर ट्रेंड रॉकेट्स की बात की जाए तो 5 में से 2 मैच जीत के आए और 3 मैच हारे थे। ठीक है, बिनू स्टेट्स की अगर बात की जाए तो भाई देखो मैच खेले जाएंगे हेडिंगली लीड्स में इंग्लैंड में, जहाँ पर आपको बैटिंग में पीस देखने मिलेंगे और पेसर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मदद रहेंगे, तो पेसर भी आपके लिए बहुत अच्छा पिक बन जाएंगे। लेकिन भाई बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा पिक करना, क्योंकि इस मैच आपको बैटर्स अच्छे खासा रन बनाते नजर आएंगे। देखो दोस्तों, अभी तक तो 100 मेन में यही सिलसिला चल रहा है कि भाई पहले बैटिंग काफ़ी मुश्किल है, सेकंड बैटिंग काफ़ी आसानी से मैच जीत के लेके जा रहे हैं। तो जो भी टीम पहले बैटिंग करेंगे उनके तरफ से ज़्यादा बॉलर पिक मत करो, जो पहले बॉलिंग करें उनके तरफ से भाई मैक्सिमम बॉलर को लेके जाइएगा और जो सेकंड इनिंग्स में भाई बैटिंग करेंगे यानी चेज करेंगे उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को अपने में पिक कर लेना। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में आपको कुछ अलग ही देखने मिलेंगे, क्योंकि आप चाहे पहले बैटिंग करें फिर बाद में बैटिंग करें, रन बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेंगे बाकी ग्राउंड की कंपैरिजन में। यहाँ पर दोस्तों एवरेज इनिंग देख सकते हैं 166 का है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अच्छा खासा स्कोर बनना चाहिए। बाकी लास्ट के 57 विकेट में से देखा जाए तो 23 विकेट स्पिनर लिए थे, बाकी 34 विकेट पेसर ने लिए थे, तो पेसर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लेकिन स्पिनर को भी आप गेम में जरूर रखिएगा। ठीक है, ये देखो हेड टू हेड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए दोनों टीम अभी तक 3 मैचेस में आमने सामने हुए थे, जहाँ पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स एक बार जीते थे, ट्रेंड रॉकेट्स ने 2 बार जीते थे। तो ट्रेंड रॉकेट्स का जो पल्ला है थोड़ा सा भारी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे भाई किसी भी टीम का हल्का भी नहीं ले सकते, दोनों टीम के पास काफ़ी शानदार खिलाड़ी है। तो यहाँ पर देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर निकोलस पुरान अवेलेबल रहेंगे तो आपके भाई सेफ पिक बन जाएंगे, बाकी यहाँ पर देखो टॉम बेंटन ये भी बहुत अच्छा पिक रहेंगे, तो दोनों को अपने टीम में पिक कर सकते हो, मोस्ट ऑफ दोनों अपने अपने टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं फिलहाल दोनों को पिक करूँ अपने टीम में, बाकी देखो टॉम बेंटन टोटल मिस एंड हिट टाइप का प्लेयर है, आप इनको ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में एलेक्स है तो भाई उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है, एलपीएल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, स्पेशली पहले बैटिंग तो डेफिनेटली ड्रॉप कर देना, जब सेकंड बैटिंग तो फिर लेके जा सकते हैं। यहाँ पर देखो जेसन रॉय आपके टिक टॉक पिक बन जाएंगे, मैं इनको फिलहाल पिक करूँगा, सैमन को मैं पिक नहीं करूँगा क्योंकि रिसेंट फॉर्म उतना खास रहा नहीं है। एडम हाउस का पिक कर सकते, कॉलिन मून इनकम को भी पिक कर सकते, लेकिन नीचे कोई भी खास असर नहीं है और हैरी ब्रुक यहाँ पे अनअवेलेबल है क्योंकि टेस्ट खेल रहा है। ठीक है, फिलहाल मैंने बैटिंग सेक्शन में सिर्फ जेसन रॉय को पिक किया हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन देखो मैथ्यू शॉट अगर अवेलेबल रहेंगे तो भाई डिफॉल्ट पिक हो जाएंगे और क्या बीसी इनको बना सकते हैं, फिलहाल मैं अपनी टीम में पिक किया हूँ। बाकी देखो इमाद वसीम यहाँ पे मेरे टीम में डिफॉल्ट पिक रहेंगे, मिचेल शैंटनर अनअवेलेबल है, रूबमैन पावेल को मैं फिलहाल पिक नहीं करूँगा, यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में भले ही है लेकिन आपको बॉलिंग करते नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड रॉकेट्स की तरफ से भाई लुइस ग्रिगोरी और जॉर्डन थॉम्पसन दोनों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, मैं यहाँ पे जॉर्डन थॉम्पसन को डेफिनेटली पिक करूँगा, लुइस ग्रिगोरी भी आपके लिए बहुत अच्छा पिक रहेंगे, आप इनको पिक कर सकते हैं, चलो फिलहाल पिक कर ही लेता हूँ। ठीक है,
बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर देखो राशिद खान और आदिल रशीद दोनों भाई मस्ट पिक रहेंगे, दोनों को गलती से ड्रॉप मत करना, दोनों अपने अपने टीम के लिए मेन स्पिनर है। बाकी लुकवुड फिर देखो राइस टॉप ये भी अच्छे बॉलर रहेंगे, बेन डाउरिज मैं बेन डाउरिज का अपने टीम में पिक करूँगा, और यहाँ पर देखो लुकवुड और यहाँ पर दोस्तों राइस टॉप में से किसी एक को पिक करना है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों फिलहाल लुइस ग्रिगोरी को ड्रॉप कर देता हूँ, मैं यहाँ लुकवुड और यहाँ पर राइस टॉप दोनों को पिक कर लेता हूँ। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पे वो रॉबिनसन को पिक कर सकते हैं, इनका भी मत रोटेशन फॉर्म काफ़ी शानदार है। बाकी नीचे भी देखोगे तो रायली मेरी थी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, सी ग्रीन देख सकते बहुत ही अच्छे बॉलर है भाई, बैटिंग भी अच्छा कर लेता अगर खेलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा पिक बन जाएंगे, आप इनको डेफिनेटली फिर पिक कर लेना। बाकी यहाँ पर पैट्रिक ब्राउन एक अच्छे खासा फास्ट बॉलर है और डेथ में आगे बॉलिंग करते हैं तो आप इनको बैक कर सकते हैं। सैम कुक का रेशन पॉप काफ़ी ज़्यादा खराब है तो मैं इनको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। नीचे यहाँ पर दोस्तों केल्विन हैरिसन अगर खेलेंगे तो बैक कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा लेग स्पिन बॉलर है और T20 ब्लास्ट में लगातार विकेट भी लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर शायद ज़्यादा मौका में नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे खेलते नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते, टॉम बेंटोन को आप हटा सकते और इनको हटा के आप यहाँ पे ना पिक कर सकते जैसे कि कैमरन ग्रीन को, क्योंकि बहुत अच्छा पिक रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों साहब अच्छे खासा परफॉर्म करके दे देंगे। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको ना आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप आपको टीम में चेंजेस देख मिल जाएंगे। तो फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, इस वीडियो के फास्ट कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप और देख सकते मैंने ऑलरेडी जो टीम बनाया हो ना, तो भाई इस टीम के साथ मुझे लग रहा है कि कुछ चेंज करना होगा टॉस के अकॉर्डिंग, जैसे कि टॉम बेंटन, फिर देखो जेसन रॉय की जगह पर एलेक्स हेलर्स या फिर आप चाहते एडम हाउस को पिक कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आप यहाँ पे जॉर्डन थॉमसन की जगह लुइस ग्रिगोरी को पिक कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली पिक कर सकते हैं यहाँ पे किसको, क्रिस ग्रीन को। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों फिलहाल जॉर्डन के साथ जाऊँगा क्योंकि बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखो मैथ्यू शॉट इसमें जो कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत अच्छा पिक रहेंगे, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, तो मैं इनको डेफिनेटली कैप इसी बनाऊंगा। लेकिन राशिद खान को आप किसी भी तरीके से भाई गेम से नहीं हटा सकते, रिसेंटली भाई USA लीग में क्या शानदार बैटिंग कर रहे थे भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों की तरफ से भाई साहब ने आग लगा रहे थे। ठीक है, दो मैचेस में 50+ स्कोर बना के आ रहे, तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन बैटिंग कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अपनी टीम में कैप्टनसी यहाँ पर दोस्तों राशिद खान को दिया हूँ, वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पे नॉर्दर्न चार्जर्स के खिलाड़ी यानी मैथ्यू शॉट को दिया हूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भाई किसी भी और के साथ जा सकते हैं, जैसे कि रहेंगे निकोलस पुरान, ठीक है अच्छे खासा पिक रहेंगे, टॉम बेंटन अपने दिन पर भाई क्या बेसिक मटेरियल रहेंगे हाँ बना सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एक मैथ्यू शॉट और राशिद खान को बनाया हूँ। आप चाहो तो मैथ्यू शॉट को कैप्टन और राशिद खान को वाइस कैप्टन बना के जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्मॉल लीग खेल के यानी 3-4 मेंबर्स लीग खेल के लाखों में विनिंग करना है तो भाई बूम इलेवन एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेंगे, उस लिंक से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस एप्लीकेशन में भाई ना तो आपको TDS लगेंगे और ना ही भाई यहाँ पर आपको कोई GST लगेंगे, एक रुपया भी आपका नहीं कटेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 2 मिनट के अंदर आपको भाई इंस्टॉल विड्रॉल भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो कमीशन फीस है भाई बाकी एप्लीकेशन में की कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा लेस है, तो भाई यहाँ पर फायदा ही फायदा यूज़र के लिए। आपने अभी तक बाकी एप्लीकेशन में जितना लॉस किया हो ना, इस एप्लीकेशन में खेल के भाई वो लॉस भी कवर करो और प्रॉफिट भी अर्न करो। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करके 10 लाख विन करोगे ना, फिर भी आपका एक रुपया भी TDS के नाम पे नहीं कटेगा, GST के नाम पे नहीं कटेगा, यानी जितना विन करोगे सबके सब आप विड्रॉल कर पाओगे, वो भी 2 मिनट के अंदर, तो और क्या चाहिए बताओ। तो जल्दी से करो डाउनलोड और आज से यहाँ पे खेल के आप अपना लॉस कवर करके अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाओ। ठीक है, यहाँ पर आप रिव्यू देख सकते हो, विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने आप निकोलस पुरन और टॉम बेंटन दोनों को पिक किया हूँ, क्योंकि भाई विकेट कीपिंग से भी आपको कुछ पॉइंट दिला के जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में जेसन रॉय को बैक किया हूँ, फिर ऑलराउंडर सेक्शन में अभी जॉर्डन थॉमसन को पिक किया हूँ, इमा दशिम को पिक किया हूँ, फिर मैथ्यू शॉट को भी जगह दिया हूँ। बॉलिंग सेक्शन में राजदिल रशीद, फिर देखो बेन डाउरिज, स्टॉपली को पिक किया हूँ, फिर देख सकते लुकवुड और राशिद खान को पिक किया हूँ। ठीक है,